कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का निर्माण होता है। एकल और द्विबंध को दो परमाणुओं के मध्य क्रमशः एक रेखा और दो रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के यौगिक जिनमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बंध का निर्माण होता है सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दो या अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा समीप के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के परमाणु समूह को अणु कहते हैं। अतः सहसंयोजी यौगिक के अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को साझे के लिए एक इलेक्ट्रॉन जबकि ऑक्सीजन को साझे के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता संतुष्ट हो। जल में सहसंयोजक बंध का चित्र। अमोनिया एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र NH3 है। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन को साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जबकि नाइट्रोजन को साझा करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिससे वे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सकें। क्या आप इस यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? अमोनिया में सहसंयोजक बंध का चित्र। आइए अब हम हाइड्रोजन में आबंधन पर विचार करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर यह बात स्पष्ट होती है कि इसके बाह्यतम कक्ष K में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है और हम यह भी जानते हैं कि हाइड्रोजन अणु का अस्तित्व है। हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर हाइड्रोजन का एक अणु बना लेता है। इसे चित्रानुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। हाइड्रोजन में सहसंयोजक बंध का चित्र। आइए सहसंयोजी बंध को समझें। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। उदाहरण हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन में एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा स्थायित्व के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों का समान अधिकार होता है। इसके अन्य उदाहरण ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड है। यहाँ हमने देखा कि अणु का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से ही नहीं बल्कि एक ही तत्व के समान परमाणु के मिलने से भी होता है। हाइड्रोजन तत्व का अस्तित्व द्विपरमाणु अणु के रूप में है। यहाँ उपसर्ग द्वि का अर्थ है दो, अतः द्विपरमाणु का तात्पर्य है दो परमाणु तथा इसमें एकल बंध है। क्या किसी तत्व के परमाणुओं के मध्य द्विबंध भी होता है? आइए एक तत्व ऑक्सीजन पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। अतः अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इनके मध्य द्विबंध बनता है। ऑक्सीजन में सहसंयोजक बंध का चित्र। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध भी पाया जाता है। आइए एक उदाहरण C2H4 या H2C डबल बॉन्ड CH2 को देखें जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा अपनी दो संयोजकताएं संतुष्ट करता है।